है समान हो जाता है। किसी भी एक अतिरेक की ओर साधक जाता हुआ दिखाई नहीं देता। वैरियों के चित्त में भी उसके लिए कोई पक्षपात नहीं बनता। समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। केवल शब्द थोड़ो है, घटती है ना चीजें। सर्वत्र समदर्शन पंडिता समदर्शिन मानस की चौपाई कल बोली थी, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सातवें क्रम की भक्ति बताई है शबरी ने, सातव सम मोहि मैं जग देखा। ध्यान रखना, पहले समता है फिर देखना संभव हुआ। जो विज्ञान है ना वो समता नाम के गुण के बाद आया। सातवीं भक्ति क्या है, कोई क्रिया नहीं है, दृष्टि है, लेकिन वो दृष्टि का अधिकरण है समता, अंतकरण की समता। सातम सम मोहिमय जग देखा मोते अधिक संत करी लेखा। क्यों संत को बड़ा किया भगवान से? बड़ा किया मैंने बड़ा लगता है साधक को, क्योंकि ये नजर उन्होंने दी। दुनिया तो भगवत रूप ही है हमेशा, ठीक, लेकिन ये नजर देने वाला कौन है? तो जिसने ये दृष्टि दी उसके प्रति कृतज्ञता ज्यादा होती है। इसलिए मोते अधिक संत कर लेगा, ये सम है। सम उभयत्वम, ये हिरण्यगर्भोपासना पर जब अभ्यास सिद्ध हो जाए, उसकी गुणागारता, उसका चरित्र पावित्र्य, उसका शक्ति स्रोतत्व, उसका आनंद स्रोतत्व, उसका ज्ञान स्रोतत्व, इस पर जब ध्यान जाए तो परमात्मा में जो समता है वो धीरे धीरे अपने अंतकरण में उतरने लगती है। अरे शिशुपाल को भी मुक्ति दे देते हैं महाराज, कमाल है कैसी समता है, जीवन भर जग गाली देता रहा वो केवल वसुदेव जी को ही नहीं शिशुपाल को भी मुक्ति देते हैं, कोई अपना पराया ही नहीं है। तो जब प्रभु का ध्यान करेंगे तो उनकी समता का भी तो ध्यान करेंगे ना। वो पार्टी बनाने में उनको कोई रुचि नहीं है, ऐसा सुना जाता है किसी रामायण में होगा कि रावण के मरने के बाद भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से, जाओ उनसे सीख के आओ। दुश्मनी होती तो ऐसा बोल सकते थे निर्वैर सर्व भूतानां स्रोत तो वही है, उनका वैसा रूप है। तो ध्यान करने से चित्त में भी, साधक के चित्त में भी इस तरह की समता उतरती है, समानस्य भवति। वो मिलाते रहना श्रुति से कारिका को। अब बोलते हैं स्पष्टम मकार भावे प्राज्ञस्य मान सामान्यम उत्कटम। मकार के प्राज्ञत्व में, मकार भावे प्राज्ञस्य, प्राज्ञस्य मकार भावे, ऐसा अन्वय करेंगे विलोम करके, प्राज्ञस्य मकार भावे, प्राज्ञ के मकारत्व को। अब देखो वहाँ था विवक्षायाम, तेजस में आया विज्ञाने, प्राज्ञ में आ गया भावना।
भावना माने पुरुष तंत्र पक्का रूप से नहीं, भावना माने अभ्यास, वो वाला भावना जो गीता में आई, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना, वो वाली भावना। कल भी शायद ये वाक्य आया था भाष्य में कि भावना कैसे होगी, नहीं पर पिछले आया था ज्ञान निष्ठा वाले में भावना शब्द का प्रयोग भाष्यकार ने किया था, निष्ठा के सिद्धि में भावना शब्द का प्रयोग किया था। तो ऐसी भावना बनाना, भावना का एक अभिप्राय होता है अभिनिवेश। अभिनिवेश जैसे देह में अहम भावना चली गई, इसको अभिनिवेश बोलते हैं। गहरा तादात्म्य, तो अब देखो ये भावे शब्द बोलते हैं, मकार प्राज्ञस्य मकार भावे, तो जब मकार की भावना करता है वो प्राज्ञ के मकारत्व की भावना करता, माने म का आलंबन बार बार लेगा और प्राज्ञ का स्फुरण होगा। कौन सा प्राज्ञ है ये? बीजात्मा चेतन, बिल्कुल इस प्रभवा पेयौ ही भूतानाम एष योनि ही सर्वस्य, उस बीजात्मा का ध्यान हो। ये जगत जो है शून्य से नहीं आया, मैंने उस समय बोला था जब कार्य की प्रधानता से जगत को देखता है व्यक्ति तो बीजात्मा परमात्मा का ध्यान होता है, याद है ये बात कही गई थी। तो कार्य तो उपेक्षित होने लगता है और महत्व बुद्धि चली जाती है कारणात्मा के ऊपर, ये है प्राज्ञोपासना अथवा ईश्वरोपासना। एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एष योनिः भूतानां प्रभवा एष योनि सर्वस्य प्रभवा पेयौ हि भूतानां। ये वहाँ देखना है, मकार शब्द में ये सारी संज्ञाएं सार्थक होती हुई दिखाई देनी चाहिए। इसमें जो सर्वेश्वर है और सर्वज्ञ है ये भूतपूर्व गति से है, जो अविद्या कृत जीव हैं वो ईशितव्य हैं, स्वतः ईश्वरत्वम नास्ति, स्मरण है, चेतन में स्वतः ईश्वरत्वम नास्ति, लेकिन जब जीव है अविद्या के कारण और फिर उस जीव के सामने एक जगत है अविद्या के कारण, तो इस अविद्या दशा में तस्य ईश्वरत्वम उपपन्नम, वो कैसे, फिर वो सारी व्याख्या आपके चित्त में बार बार आनी चाहिए। जीव है, करता है तो कर्म करेगा, तो कर्म के अनुसार उसको परिणाम फिर आएंगे, तो ही विल रिमेन रेसिपिएंट रिसीवर, वो हमेशा ही उसको परिणाम लेना पड़ेगा, उसका उसमें स्वातंत्र नहीं दिखता है, परिस्थिति को चुनने में उसका स्वातंत्र नहीं दिखता है। जगत में नियंत्रित्व दिखाई देता है, नियम दिखाई देता है, बोले प्रकृति से ही सारे नियम चलते हैं, स्वभावस्तु प्रवर्तते, मान लिया मैंने, उसमें हमको कोई विरोध नहीं, उसकी संगति है, स्वभावस्तु प्रवर्तते वो ठीक है, लेकिन प्रकृति आश्रित किस पर है? चेतन पर। तो प्रकृत्योपाधिक हो करके वही ईश्वर हुआ। सारे के सारे कर्म
अपने कर्ता के साथ चेतनाश्रित है। अरे भाई, कर्म कर्ताश्रित हो गया, चलो मान लिया, लेकिन कर्ता किधर है? वो आसमान में थोड़ो उड़ रहा है। सारे कर्म अपने कर्ताओं के साथ चेतनाश्रित हैं, वहीं वो पकते हैं और वहीं वो फल रूप में परिणमित होते हैं। तो अंततः फलदातृत्व का जो आरोप है, अब आप आरोप कह रहे हैं व्याख्या के काल में, लेकिन फलदातृत्व जो बनता है वो ईश्वर में ही बनता है, चेतन में ही बनता है, ठीक है। इस रीति से केवल ईश्वर ही फलदाता है और कोई फलदाता नहीं है। और फल प्रदान विधि से वो ईशन करता है, प्रकृति का भी और जीव का भी। तो ये जो शब्द हैं, इनकी संगति बुद्धि में साफ होनी चाहिए। ईश्वर शब्द आया है, अब वो अज्ञात, अस्पष्ट है, अनबुझा, इट शुड नॉट बिकम अ रिडल, एक पहेली नहीं बननी चाहिए। ये कैसे ईश्वर होगा? कोई तो प्रकृति बोलता है, भगवान ही बोल देते हैं, स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान बड़े विचित्र मामला में बोलते हैं, समझने वालों के लिए आनंद होता है, नहीं समझने वाला गोल गोल घूमता है, रिडिल पहेली बन के रहती है। सुनाता हूँ आपको एक श्लोक सुना देता हूँ। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम। लुक एट दिस। अब जो पढ़ने वाला होगा घर में, वो कहेगा एक ही लाइन में बिना मुंह धोए बोलते हैं, कमाल है यार। तस्य कर्तारम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। लो तो क्या विद्धि, मैंने मैं क्या जानू आपको, कर्ता जानू कि अकर्ता जानू, दोनों इकट्ठे बोल देते हो आप। वो कैसे, जड़ मोह ही बुद्ध हो ही सुखारी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का रूप ही ऐसा है कि जो जड़ है ना मूर्ख, वो तो और मोहित हो जाता है, बजाय इसके कि वो बेचारा निकले मोह में से। भगवान कहते हैं ले बेटा एक डुबकी और मार इसमें। जड़ मोह ही बुद्ध हो ही सुखारी। और जिसने महाराज भगवान की ओर से सुन लिया हो, गुरुमुख से सुन लिया हो, तरीके से सब चीज ठीक ठिकाने समझ में आ गई हो, उसको मजा आता है। सो एष सर्वेश्वर है, प्राज्ञ सर्वेश्वर है, एष सर्वज्ञ है, भूतपूर्व गत्या ध्यान रखना। व्याख्या में आपने पढ़ा होगा भूतपूर्व गत्या सर्वम ज्ञातृत्वम अस्यैव, सभी चीज का ज्ञातृत्व इसी का है। हमने एक और बात कही थी कि जितने लोगों को जहाँ भी कभी भी जो भी ज्ञान हुआ है वो वहीं से आया है, इसलिए वो सर्वज्ञ कितना बड़ा है वो छोड़ो, ज्ञान का स्रोत होने से और सर्वज्ञान का स्रोत होने से उसको सर्वज्ञ कहते हैं। हम अपनी बुद्धि में उसकी सर्वज्ञता को ग्रहण नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, ठीक है, लेकिन यह अनुमान अथवा अर्थापत्ति बिल्कुल लगाना संभव है कि जब वराहमिहिर और पाणिनि दोनों की बुद्धियों में जो आया सब वहीं से आया,
ठीक है। पाणिनी और व्यास की बुद्धि में जो कुछ आया वहीं से आया। अब दूसरों का नाम नहीं लेता, ये पवित्र नाम है ना, प्रातः स्मरणीय नाम। महर्षि पतंजलि सारी बुद्धियों में सर्वज्ञान का स्रोत होने से क्या हेतु बनाऊंगा, स्रोतत्वात् सर्वज्ञानस्य स्रोतत्वात् यस्मात् सर्वज्ञानानां गोमुखत्वेन तिष्ठति सः, ठीक है, तस्मात् स सर्वज्ञ आराध्य इष्टः वांछितः पूजितः। वो हमारा चिदात्मा मालिक साहब। और क्या जड़ात्मा थोड़ो होता है मालिक। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ, ये तो दोनों कैसे हैं वो जान लेना चाहिए। बाद में जो शब्द है प्रभवा प्यजौ, ये बीज भाव है। ऐसे ही होनी ही, ये बीज भाव है। ये म का अर्थ है प्राज्ञस्य मकार भावे। अब जब आप म बोलते हो तो आपके चित्त में कौन सा प्रत्यय बनता है, बोले प्राज्ञ प्रत्यय बोलता है। तो प्राज्ञ भी शब्द ही बोल रहे हो, प्रत्यय किधर बना अभी। क्या प्रत्यय तो तब बनेगा जब सर्वज्ञता, जब ईश्वरता, जब उसकी बीज रूपता, जब उसकी सर्व योनि रूपता स्पष्ट होवे, तब प्रत्यय बनेगा। शब्द प्रत्यय, ध्यान रखना व्यवहार के दो ही रूप होते हैं, शब्द और प्रत्यय, शब्द और प्रत्यय। घट शब्द है, उसका प्रत्यय बना, बस इतना ही व्यवहार है। जरा इनका वियोग करके दिखाओ, प्रत्यय है शब्द नहीं है, पहचान नहीं होगी, ठीक है। शब्द है प्रत्यय नहीं है, कैसा है, पहचान नहीं है। इसको योग सूत्र की भाषा में क्या बोलेंगे, विकल्प, विकल्प शब्दानुपाती अर्थ शून्य, शब्दानुपाती अर्थ शून्य। शब्द तो है और अर्थ गायब है। ये बात कह रहे हैं, तो ये दोनों बनना चाहिए। मकार भावे प्राज्ञस्य मान सामान्यम उत्कटम, मान माने मिनोती, आप पढ़ चुके हो मिनोती, मितेर अपीतेर वा, पढ़ चुके ना। तो मान, मान माने नपना, प्रस्थेन, प्रस्थ, प्रस्थ शब्द आया था याद है, वही। तो जैसे प्राज्ञ विश्व तेजस को अपने भीतर लेकर के बाहर निकालता है, जैसे नाप रहा हो, वैसे ही मकार जो है वो अ ऊ को अपने भीतर लेके फिर निकाल देता है। तो मान सामान्यम उत्कटम, मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्यम एवच, ये लय स्थान बन रहा है। जैसे प्राज्ञ विश्व तेजस का लय स्थान हो रहा है, अपीति, अपीतेर माने अप्यय स्थान, उसी तरह से अप्यय माने लय, हाँ यहाँ की भाषा में लय, इसी तरह से मकार जो है वो अ ऊ का
लय स्थान बन रहा है, अव्यय स्थान बन रहा है। मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्यमेव च स्पष्टम। भाष्यकार ने आधी लाइन भी लिख, मैंने पूरी लाइन नहीं लिखी, उन्होंने कहा स्पष्ट है इसमें क्या करें। मकारत्वे प्राज्ञस्य मिति लयौ उत्कृष्टे सामान्य इत्यर्थ। बस आराम करो। अब आते हैं 22 समय पर। त्रिषु धामसु यत्तुल्यं सामान्यं वा सामान्यं वेत्ति वा नहीं। त्रिषु धामसु यत्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः सपूज्य सर्वभूतानां वंद्यश्चैव महामुनिः। यथोक्त स्थानत्रे तुल्यम उक्तम, तीनों स्थान में मात्रा और पाद की जो तुल्यता है वो बताई गई, जो सामान्य है वो बताया गया। क्या? वैश्वानर में व्याप्ति और आदि प्रथमत्व, इसी तरह से अकार में व्याप्ति और प्रथमत्व, ये है तुल्यता, ये है सामान्य। इसी तरह से तेजस में उत्कृष्टता, उत्कर्ष और उभयत्व, हाँ, मध्यवर्तित्व। इसी तरह से उकार में भी उत्कर्ष है और उभयत्व है, ये सामान्य है। इसी तरह से मकार में मिनोति अपीति, नाप मान सामान्य और लय सामान्य। इसको देखना है उपासक को, माने वैश्वानर की व्याप्ति का ध्यान करना है। आलंबन अ है लेकिन ध्येय वस्तु अ नहीं है, ध्यान रखना। ध्येय वस्तु वैश्वानर है, वैश्वानर की व्याप्ति का ध्यान करना है, वैश्वानर के प्रथमत्व का ध्यान करना है। सामान्य यही है, दो बिंदु पर विशेष आग्रह है, व्याप्ति और आदिमत्व प्रथमत्व। इसी तरह से हिरण्यगर्भ का ध्यान करते समय उभयत्व और उत्कर्ष, ये दो पर विशेष ध्यान देना है। स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म उत्कृष्ट है, शक्ति ज्ञान गुण आनंद, तो उत्कर्ष का ध्यान करना है। माने ये उत्कर्ष चेतन का नहीं, किसका? उपाधि का, सूक्ष्म उपाधिक में ये उत्कर्ष है। और मध्यवर्तित्व माने उसका समत्व का ध्यान करना है, परमात्मा का कोई भी पराया नहीं होता। अपना पराया नहीं होता ऐसा बोलूं? नहीं, ये ठीक नहीं, पराया नहीं होता, बस सब अपने ही होते हैं और क्या। ये थोड़ो कि कोई अपना भी नहीं होता, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, सब उसके अपने होते हैं, पराया कोई नहीं होता। आप उसके अपने ही हो जनाब। अपना भी नहीं हो तो फिर तो बड़ा मुश्किल, हम लोग तो अनाथ हो जाएं फिर। ये केवल व्याकरण पढ़ने से चौकू सूत्र याद रहेगा। साहित्य जानना चाहिए, नहीं तो व्याकरण का कोई मजा नहीं है फिर। आपको मालूम है मैंने ये सूत्र बोला, ये है पाणिनि व्याकरण में, ये ना समझना कि नहीं है, चौकू एक सूत्र है। राम राम राम, ऐसे जबरदस्त सूत्र हैं कि मजा आता है पाठ करने में ही मजा आता है। अब तो मेरा पाठ छूट गया। ऐसे ऐसे शब्द निकल के आते हैं
बोलो एकाद पूर्ण रपरह रपरह रसोभ्याम नोणु अटकुप वांग व्यवाये पी ऐसे ऐसे सूत्र हैं। वो हमारे एक मित्र थे तो वो नोणु ऐसे करके बोलते थे रसाभ्याम नोणु तो याद भी हो जाता है मुद्रा के साथ लगा दो चोकू चाकू नहीं तो ऐसे ऐसे सूत्र ये जरा समझना है इसको क्या बोलते हैं उत्कटम उत्कर्ष मध्यवर्तित्व को जानना। मालिक साहब के सब अंग हैं वो अंगी है तो पराया बुद्धि नहीं है। ठीक है अपनी बुद्धि तो होगी जरूर होगी भगवान अपना मानते ही। ठीक है ये मैं औपाधिक बोल रहा हूँ परमार्थ तत्व चिदात्मा अकेला ही है कहाँ अपना पराया। लेकिन जब हम अपने जीवत्व को सत्य कह रहे हैं या जो भी कह रहे हो आप अपना अपना देख लो तो ये जो ग्रंथिधारी सब बैठे हैं जड़ चेतन ही तो नारायण ये उत्कर्ष उभयत्व की उपाधि मकार में लय सामान्य और मान सामान्य। हाँ जब इसको ठीक से कोई सिद्ध करता होगा महापुरुष जो भी है बिना भक्ति के नहीं हो सकता इसको बोलते हैं अपर ब्रह्मनिष्ठा सोपाधिक ब्रह्मणि स्थिति ही यस्य नितराम स्थिति ही यस्य स अपर ब्रह्म निष्ठ पर ब्रह्म अन्वेष्यमाणा। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में ये लिखा आवृतम ब्रह्म निष्ठई ही जो सदगुरु है ना दक्षिणामूर्ति भगवान वो ब्रह्मनिष्ठ साधकों से घिरे हुए हैं। अरे बोले महाराज तो ब्रह्मनिष्ठ थे पहले से ही तो बोले अपर ब्रह्मनिष्ठ ही आवृतम परब्रह्म अन्वेष्यमाण ही आवृतम। ठीक है सवंद्य भगवान कारिकाकार बोलते हैं ये कोई साधारण है ये तो महापुरुष है इस धरती के आभूषण है ऐसा कोई हो तो सपूज्य आदिश्च भवति आपनोति सर्वान् कामान् सपूज्य सर्वभूतानां वंद्यश्च वंद्यश्च अरे भगवान के गुणों का जब अवतरण उसमें हुआ भगवान के ज्ञान का अवतरण हो जाए भगवान की शक्ति का अवतरण हो तो वंद्यस्त तो होगा ही। सपूज्यश्च सर्वभूतान सपूज्य सर्वभूतानां वंद्यश्चैव और बोले महामुनि ही मनन का जो उत्कृष्टतम रूप है वो यही है। महामुनि माने मनन किया ना उसने तभी तो एकत्व को जाना। जतन किया निरूपण किया किसका नाम का वो निरूपण करने के कारण उसको कहा जा रहा है महामुनि। तज्जपः तदर्थ भावनम ये तदर्थ भावनम के कारण उसको कहा जा रहा है महामुनि। उसके मनन में यह बिल्कुल साफ है कि उसको बहिष्प्रज्ञ क्यों कहा गया। वो किस तरह से
सप्तांग है, वो किस तरह से एकोनविंशति मुख है। बिल्कुल हर चीज ठीक ठिकाने, कहीं कोई धुंधलापन एम्बिग्यूटी नहीं है। उत्कर्ष किस लिए कहा है, मिनोती का क्या अभिप्राय है, अपीति का क्या अभिप्राय है, सर्वम मतम तेना। बिल्कुल घोंट घोंट के बिल्कुल रस निकाल लिया उसने, ठीक है ना। पहले मंत्र से लेकर के सर्वगम ही एतद् ब्रह्म ओम इत्येतत् ओम इति एतत् तदक्षरम इदगम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, उसी की तो केवल व्याख्या है, एक ही शब्द की तो व्याख्या है। सारा उपनिषद एक शब्द की ही व्याख्या है बस, लेकिन वो शब्द महाराज बड़ा गहन गंभीर है, अब बोलने से पता नहीं क्या क्या होता है। क्या क्या होता है बताता हूँ। अकारो नयते विश्वम जब सिद्ध हो जाए, भाष्यकार बड़ा प्यार से लिखते हैं यहाँ, यथोक्त ही सामान्य ही, जब इन समानताओं का ठीक अभ्यास करे कोई, कौन से बीच किसके बीच में, आत्मपादानाम मात्राभिस्सह, आत्मा के पाद, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, और मात्रा भी माने प्रथम मात्रा, द्वितीय मात्रा, तृतीय मात्रा, अवम, इन दोनों के बीच में एकत्वम कृत्वा गहरी एकता बन गई। अब अ बोलने से बिल्कुल प्रत्यय बनता है वैश्वानर का, उ बोलने से प्रत्यय बनता है हिरण्यगर्भ का, म बोलने से प्रत्यय बनता है प्राज्ञ का। इसका नाम है एकत्वम कृत्वा। प्रत्यय बनने में कोई प्रयास नहीं करना है, जब तक प्रयास करना है तो अभी क्या हो रहा है, एकत्व किया जा रहा है, कृत्वा नहीं बना बल्कि किया जा रहा है। एकत्वम कृत्वा यथोक्तैः सामान्यैः आत्मपादानां मात्राभिस्सह एकत्वम कृत्वा, जब ये बन गया, खूब सिद्धि हो गई, तब यथोक्त ओंकारं प्रतिपद्य, तब प्रतिपत्ति होगी। प्रतिपद्य माने प्रतिपत्ति हो गई, समझ आ गई बिल्कुल। जैसा ओंकार को बताया गया वैसा ठीक ठीक वैसी परमा बन गई। अब यो ध्यायति, अब देखो ध्यान का क्रम यहां आकर के बना, पहले संप्रतिपत्ति बनी। यह साधक, कौन साधक है, ये जिसका एकत्व सिद्ध हो चुका है, कैसे बोलेंगे, एकता प्रतिपन्न। कया सह केन, तो पादानाम आदानाम मात्राभिस्सह एकत्वं प्रतिपन्नः, एकत्वं प्रतिपद्य यह ध्यायति। प्रतिपत्ति में ही जब लप लप प्रत्यय लगाते हैं ना, प्रतिपद्य होता है, जब कृत्वा है वैसे ही प्रतिपद्य है, जैसे उपगम्य और गत्वा, आपको इसका भेद मालूम है, लप प्रत्यय लगाने के पहले उपसर्ग लगता है, उपसर्ग युक्त शब्द में ल्यप प्रत्यय लगता है और उपसर्ग रहित शब्द में त्वा प्रत्यय लगता, शब्द माने धातु में, ये माने गत्वा ये तो लग जाएगा, लेकिन गम्य
ये शब्द ठीक नहीं बनेगा, उपगम्य अवगम्य ऐसे ये बोलना पड़ेगा। तो ये प्रतिपद्य यथोक्त ओंकारम प्रतिपद्य यो ध्यायति। अब बैठा है वो एकांत में विविक्त से भी लघ्वाशील यतवाक कायमानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपासरतः योगी युंजीत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशी अपरिग्रह किम ध्यायति। बोले वो मालूम नहीं है। अरे तो नहीं मालूम है तो तू ध्यान करेगा कि किससे किससे मैं लड़ लड़ के आया हूं। देखो ना, वो तो पहले असक्त बुद्धि वाला मामला बन जाए। कृत्वा फिर योध्यायति तम तम साधकम, उस साधक के प्रति ये जो ओंकार है ये क्या करता है। तम अकारो नयते विश्वम, आप समझ रहे हो कितना बड़ा वाक्य है। उस साधक के पास ये जो अकार है ना वो विश्व को लेके आता है। विश्वम प्रापयति है, अनुग्राहक बोलो चाहे सेवक बोलो है, आकार जो है वो एक सेवक की तरह जाके बुला लाता है। किसको? विश्व को, वैश्वानर को। किसके पास? साधक नहीं जाता वहां, ध्यान रखना तम साधक के लिए लिखा है। तम साधकम, उस साधक को वैश्वानर की प्राप्ति कराता है। कौन? आकार। क्या बढ़िया वाक्य है। आकार नयते, पानी भरता है उसके यहां। हरिओम तत्सत। आकारो नयते विश्वम उकारश्चापि तैजसम। और जब वो उकार का अभ्यास करता है विविक्त सोई सेवी होकर के तो तैजसम उतरता है उसके चित्त में। कल मैं एक भाष्य देख रहा था तो उसमें हृदय शब्द की व्याख्या आई। स्मृति प्रत्यये प्रत्यये आस्पदम यत् तत् हृदयम्। आएगा आपको पढ़ाऊंगा कभी न कभी, वो बीच में आएगा। स्मृति और प्रत्यय का जो आस्पद है, जहाँ पर स्मृति और प्रत्यय दोनों उदित होते हैं उसका नाम है हृदय। उस हृदय में परमात्मा रहता है। अब जरा सोचो, ठीक, जहां स्मृति है जहां प्रत्यय है वहीं पर। मैंने कहा क्या बढ़िया कम्युनिकेट किया है मालिक साहब ने। तो बोलते हैं वह उसी हृदय में नयते, नयते किस रूप में? प्रत्यय रूप में। अकारो नयते विश्वम उकारो उकारश्चापि तैजसम मकारश्च पुनः प्राज्ञम मकारश्चापि पुनः प्राज्ञम च शब्दात नयते इति अनुवर्तते। स्पष्टम? स्पष्टम। तो म से प्राज्ञ प्रत्यय का आवाहन हो जाता है। प्राज्ञ शब्दवाच्य जितना बताया है ना वो सब का सब
एकीभूत प्रज्ञान घन आनंदमय आनंदभुक् चेतो मुख प्राज्ञ तृतीय एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोन्तर्यामी। हाँ, ये शब्द छूट रहा था। एषोन्तर्यामी एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्। पूरा का पूरा जो अर्थ है ना, वो म के जरिए नयते प्रत्यय में आता है। जब प्रत्यय में आता है तो उसकी फलश्रुति भी साफ हो जाती है। एक ही साथ अकार से आदिश्च भवति पक्का है, सर्वान कामान आपनोति। उकार से वर्धति ज्ञान संततिम, न अस्य कुले अब्रह्मविद भवति और समानस्य भवति। नयते का मतलब उसी समय फलश्रुति भी बिल्कुल घटती है। और मकार से मिनोति सर्वम जानाति, जगतः याथात्म्यम अभिजानाति, साबाश जगत के याथात्म को जानता है। और हैं सर्वम मिनो, देख लो भाई देख लो, नहीं तो गड़बड़ न करो। अपीतिश्च भवति, मिनोति हवा इदगम सर्वम अपीतिश्च भवति। अपीतिश्च भवति माने बोलते हैं अपीतिश्च जगत कारणात्मा भवति। ये फलश्रुतियां एक एक मात्रा से घटती दिखाई देती हैं। स वंद्य स महामुनि स पूज्य, यही तो है पूज्य। और कौन पूज्य होगा जिसके प्रत्यय में इतनी बड़ी दुनिया रहती हो। रे रामा 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 है। सर्वान कामान आपनोति आदिश्च भवति, ज्ञान संततिम वर्धयति। क्या है भाई, वो देख लेता हूँ, मन नहीं मान रहा है। बोले उत्कर्षति हवई ज्ञान संततिम, समानस्य भवति नास्या ब्रह्मविद कुले भवति। ऐसा कोई महापुरुष हो, मिनोति अभिजानाति जगतः याथात्म्यम, जगत कारणात्मा च भवति। ऐसी जिसकी दशा हो नारायण, स वंद्य स महामुनि ही नामात्रे विद्यते गति। यहाँ तक तो गति है, जीव जो है यहाँ तक चलता है, गति करता है। लेकिन अमात्रा में गति नहीं होती। गति नहीं होती का मतलब क्या है? स्वरूप स्थान है। गति का क्या मतलब है? विशते तदनंतरम है वहां तो है? अनंतर फल प्रतिषेध है। न गति माने न जानाती, न कर लेना अर्थ। अमात्रे न अमात्रे विद्यते गति ही का अर्थ ये नहीं है कि उसको कोई जान नहीं सकता। गति न विद्यते माने गते है आवश्यकता एव नास्ति। विशते तदनंतरम, कल का याद रखना हो, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। फलानंतरम प्रतिषेध उच्यते। बोलते हैं क्षीणे तु मकारे बीज भाव क्षयात्, बीज भाव का क्षय हुआ तो अमात्रे ओंकारे मने निर्बीजे
बीज भाव क्षय से निर्बीज शब्द ले लेना। बीज भाव क्षयात अमात्रे ओंकारे गति ही न विद्यते क्वचेत। वो अमात्र क्या है, कल देखते हैं। ओम तत्सत। कल देखते हैं माने अगली कक्षा में देखते हैं। अब अगली कक्षा 11:30 बजे की हो सकती है, क्यों भाई अशोक? इसे ये सेफर है कि हम कहें कि अगली कक्षा में देखें, बजाय इसके कि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।